Good morning, students. With the fresh lecture, I am here with you. Today, we will discuss on spontaneous generation versus biogenesis. What is spontaneous generation? So we know that on the earth the first microorganisms were evolved at least 4 to 3.5 billion years ago. But there was no science at that time. And people who lived in ancient era were believed in the बिलीव जो पुराने जमाने में थे वो अंधश्रद्धा में मानते थे, वो बिलीफ में मानते थे. उनको साइंस पता ही नहीं था और साइंस का एक्सप्लोरेशन नहीं था उस टाइम पे. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड द साइंटिस्ट बिगेन टू वंडर अबाउट देयर ओरिजिन. तो जब माइक्रोस्कोप देखा, माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमोलिक्यूल्स जैसी बात शुरू हुई, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंटरेस्ट जगा. देयर वर हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड एक्साइटिंग ओपिनियंस रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ एनिमोलिक्यूल्स. द साइंटिस्ट वर डिवाइडेड इंटू टू स्कूल ऑफ थाट्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो उस जो समय था आज से करीबन 2000 साल से भी पहले, 2000 से 2500 साल पहले, जहाँ साइंस की शुरुआत नहीं थी और सन 1600 के पहले पहले 1500-1400 सदी में तब तक साइंस नहीं था, माइक्रोबायोलॉजी. तो ये जो एरा था वहाँ पे सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन होता है वो भगवान करते थे. भगवान आते और चिड़िया बनाते, भगवान मेढक बनाते, ऐसा कंसेप्ट था. तो जब भगवान आके सृष्टि का निर्माण कर जाते, और वो कैसे बन जाते भगवान, तो आप कुछ खाना रख दो, उस पे पत्थर रख दो, उसको ढंक दो, और हफ्ते बाद महीने बाद उसमें देखोगे तो भगवान उसमें मेढक रख के चले जाएंगे. दैट वॉज द कंसेप्ट. मतलब कि मृत चीज़ों से जीवन की उत्पत्ति होती है. दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप. सो बिफोर 17th सेंचुरी पीपल बिलीव दैट. ये डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस जनरेशन. मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स कूड कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कूड कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो मृत चीज़ों में से जीवन शुरुआत होता है, ऐसी बात उस टाइम पे थी. तब जाके दो तरह के साइंटिस्ट थे. एक लोग मानते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और दूसरे साइंटिस्ट थे वो साइंटिफिक अप्रोच पे डिपेंड करते थे. उनको नहीं पता था कि ये कितना सही है. तो ये जो पूरी थियरी है ये दो चीज़ों में एक्सपेरिमेंटल फाइट है. एक लोग बोलते हैं कि सृष्टि का निर्माण अपने आप कर देते, भगवान कर देते ऐसा, और दूसरा जो था वो बोलते हैं कि नहीं, एक एनिमल है उसके एग में से दूसरा एनिमल बनेगा, एक बीज है उसमें से ही दूसरा छोड़ बनेगा. मतलब एक बाजू साइंटिफिक चीज़ें थी, दूसरी तरफ मान्यताएं थी, और उसी का ही हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है. तो दो थिंक टैंक थी. वन थिंक टैंक क्या थी, वन स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब. वो मानते थे कि नहीं, सूक्ष्म जीव होते, बट दे डिड नॉट एग्री विद देयर ओरिजिन. पर वो मानते थे
कि वो कादव कीचड़ में से पैदा होते, कादव कीचड़ में भगवान उनको बना के छोड़ देते। तो नदी का किनारा है जहाँ खाना पीना मिल रहा है, वहाँ मेंढक, सांप, मॉस्किटोज, बराबर इंसेक्ट, उनका जन्म होता है। दे आर्ग्यूड दिस माइक्रोब्स अरोज फ्रॉम डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। वो क्या बोलते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले, कि माइक्रोब्स अरोज उसमें से निकलते, किसमें से, फ्रॉम डिकेइंग प्लांट, जो सड़ रहा है, सड़ रहा है वैसे प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स में। दे बिलीव्ड दैट माइक्रोब्स वेयर द रिजल्ट ऑफ डिके एंड नॉट द कॉज। तो वो बोलते जब किसी चीज़ को सड़ने दो तो उसमें से नए जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो मानते थे। दस दे बिलीव दैट माइक्रोब्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ए बायोजिनेसिस। सो बायो यानी जीवन, और ए बायो मीन्स एब्सेंस ऑफ बायो, सो ए बायोजिनेसिस। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो उसको हम स्वयंभू जनन बोल सकते हैं, अपने आप किसी चीज़ का निर्माण होता था। तो नॉन लिविंग थिंग में से लिविंग थिंग बनना, उसी को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जबकि दूसरे साइंटिस्ट थे, अदर स्कूल थॉट्स एग्री टू फे दैट द एनी मॉलिक्यूल्स अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पैटर्नल फॉर्म्स। तो दूसरे साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि ऐसा नहीं होता, हमेशा एक अंडा होता है उसके माता या पिता जो है उनके में से निकला हुआ होता है, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग पैटर्नल फॉर्म। दैट आइडिया द एग्जिस्टिंग एनी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वॉज गिवन बाय नेम बायोजिनेसिस। मतलब एक उत्पत्ति जो होती है वो पहले से उसके पितृ होते माता होते उसकी संतति होती है। तो एक जीवन में से दूसरा जीवन बनता है, लिविंग थिंग प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग। तो पहले जो लिविंग थिंग है उसमें से ही दूसरी लिविंग थिंग बनेंगी। तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज नोन एज द बायोजिनेसिस। तो ऐसे दो कंसेप्ट के बारे में हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं अभी। सो फर्स्ट वी लुक ऑन व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री पीपल बिलीव दैट एनिमल्स कूड कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। सदियों से लोग मान रहे थे कि पीपल एनिमल कूड कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। तो जो भी नदी या उसके किनारे जो भी कचरा सड़ रहा है, कुछ भी मल रहा है, तो उसमें से मेंढक बनते हैं, उसमें से मॉस्किटोज बन फिश बन रही है। तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसमें से, जैसे एग्जाम्पल्स दिया है कि फ्रॉग डेवलप फ्रॉम द फॉलिंग ड्रॉप। तो पेड़ पे से जो लीफ पानी में गिरते वो लीफ मेंढक बन जाते हैं। माइस अरोज फ्रॉम स्वेटी अंडरवियर्स। तो जो गंदे कपड़े हम निकाल दे कर फेंकते वो उसमें से माइस का जन्म होता है। एंड फ्लाइज अरोज फ्रॉम डिकेइंग मीट्स। तो जो भी खाना बचा है मीट्स है वो सड़ रहा है और उसमें से मक्खियाँ निकलती है। तो एक ऐसी बिलीफ थी, उसको हम क्या बोलेंगे, ए बायोजिनेसिस। और दूसरा नाम उसका क्या है, सेकंड नेम इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो हु वाज द फर्स्ट इन दिस रेस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात सबसे पहले किसने बताई, एरिस्टोटल। यू मे हर्ड द नेम, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। वो ग्रीक का एक तत्वचिंतक था और वो जीवन के बारे में अपने ख्याल रखता था। एंड द टाइम इज 384 टू 222 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो आपको इतने साल 220 में ऐड करने हैं, तो जितने भी गेट 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने क्या कहा, ही एक्सप्लेन दैट द फ्रॉग माइस एंड अदर एनिमल कूड अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द मड ऑफ पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम।
वो बताता था कि जो पानी जा रहा है, नदी है, तालाब है, झरना है, उसके आजू बाजू में जो कीचड़ होता है, वो कीचड़ में से ये सारे जानवर जीव जंतु निकलते और वो वहाँ पे भगवान आके उनके रख जाते। दैट वॉज द बिलीफ ऑफ एरिस्टोटल इन दैट टाइम। और ये सबसे पहले थियरी थी अबाउट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। BC 40 यानी 2060 साल पहले वर्जिल गेव द रेसिपी फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ बी। जो वर्जिल है ये साइंटिस्ट ने फिलोसोफर हम बोलेंगे, तो उसने कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? कि अगर आपको मक्खियों का जन्म करवाना है तो आप ऐसे कीजिए, किल ए बुल ड्यूरिंग द फर्स्ट थॉ ऑफ द विंटर। तो एक आप विंटर के सीजन में एक बुल को मार दीजिए, फिर एक एरिया बनाइए, उसको शेड में रख दीजिए, प्लेस द डेड बुल ऑन ब्रांच एंड हर्ब्स इनसाइड द शेड, बराबर, उसको झाड़ियों के बीच में उसको दबा ढक दीजिए, वेट फॉर समर और महीनों तक उसको वेट कीजिए, द डिकेइंग बॉडी ऑफ बुल विल प्रोड्यूस बीज, तो उसमें से मक्खियाँ निकलेगी। तो आज का हमको पता है, पर आज से 2060 साल पहले हमको पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होगी। तो ये जो फोटोग्राफ्स है उसको बताया गया है, दिस इज़ द रेसिपी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे होता था। तीसरी कंसेप्ट था स्पॉन्टेनियस जनरेशन में गॉडेस जिया, जिसको हम हमारे कंपेयर करें तो हम बोलते हैं कि भाई पूरी सृष्टि का निर्माण किसने किया है? ब्रह्मा जी ने। हम आज भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने हर इंसान और एनिमल्स को रखा है। क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसा है कि मंडे में भगवान ने ये बनाया, ट्यूसडे को ये बनाया, सैटरडे को इंसान बनाया। तो ग्रीक में भी एक गॉडेस जिया है जिसको हम बोल सकते हैं प्रकृति देवी। तो प्रकृति देवी जो है सारे इंसान के साथ साथ हर प्राणी का जन्म करवाती है, गॉडेस जिया। तो ये भी वहाँ की उस टाइम की एक बिलीफ थी, गॉडेस जिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे जो पत्तियाँ पानी में गिरती है उसमें से पक्षी बनते, मेढक बनते। वैसे भी एक थियोरी थी कि आपको चूहे बनाने, तो भगवान ने बोला है कि एक कुछ वेसल्स ले लो, उसमें गेहूँ भर लो, थोड़ा कपड़ा ऊपर डाल दो और उसको छोड़ दो, बराबर। तो वॉल्ट हेलमॉन्ट्स इन 1600 साल सेंचुरी में, मतलब आज से 400 साल पहले, तो ये कंसेप्ट आज से 400 साल पहले था। वॉन हेलमॉन्ट गेव अ रेसिपी फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइस, उसने चूहे बनाने की तरकीब बताई। इन हिज रेसिपी ही सेड, उन्होंने बोला कि सम व्हीट ग्रेन, थोड़े गेहूँ ले लो, सॉइल लिनेन मट्टी वाले थोड़े कपड़े ले लो, एंड चीज़, और एक थोड़ी चीज़ रख लो, ये सारी चीज़ पुट इनटू अ रिसेप्टेबल एंड कीप अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्यू डेज। तो आप किसी ओपन जो पात्र है खुला छोड़ दीजिए, उसमें सारे चीज़ें डाल दीजिए और उसको आपको थोड़े दिन नहीं उसको लिखवाना, 21 डेज ऐसा लिखा है। तो आप 21 डेज के बाद क्या पाएंगे? तो उसमें से चूहे निकलेंगे। उसमें से चूहे कहाँ निकलेंगे? तो के भगवान आके रख देगा। तो ये था वॉन हेलमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो ये चार कंसेप्ट और थियरी थी जो सपोर्ट कर रही थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। तो 1600 के बाद जो सेंचुरी हुई 1500-1600, तो उसके बाद ये टाइम हो गया साइंटिफिक रिसर्च का। सो मेनी साइंटिस्ट डिसएग्री टू आइडिया ऑफ बायोजिन ए बायोजिनेसिस। साइंटिस्ट तो ये सब मना कर रहे थे
सो दे कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ बायोजीनेसिस. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी. एक थे मैक्रोस्कोपिक, जो आपको देख सकते थे, आप देख सकते थे मैक्रोस्कोपिक. दूसरे थे माइक्रोस्कोपिक लेवल एक्सपेरिमेंट, और दूसरे थे फिल्ट्रेशन अप्रोच वाले. तो अब हम बात करेंगे, नाउ वी डिस्कस ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अगेंस्ट ए बायोजीनेसिस. ए बायोजीनेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या है. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑफ मैगोट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेडी. फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, तीन ग्लास जार ली, एक जार को ऊपर सील कर दिया, दूसरी जार को ओपन रखा, और तीसरी जार के ऊपर नेट, कॉटन का नेट, कॉटन का कपड़ा या रूमाल, उसको टाई अप कर दिया, उसको बांध दिया. और डिब्बे के अंदर मांस जो था, मटन था, उसको रख दिया. तो उससे क्या हुआ कि जो सील्ड बंद था उसमें से कोई भी बदबू या गंध नहीं आ रही थी बाहर. तो वहाँ पे मैगोट्स, जो मच्छर हम बोलेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे. दूसरे में क्या था कि ये खुला था तो यहाँ पे मक्खियाँ आती थी, उस पर बैठती थी और वहाँ पे अपने अंडे छोड़ जाती थी. तो दे पुट द लार्वा ऑन द मैगोट्स. और कुछ दिन के बाद क्या होते थे, ये लार्वा जो है उसमें से नई मक्खियाँ निकलती थी. तो वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कंसेप्ट था. तो फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, एक कवर मैश डाल दी, नेट डाल दी. तो उसकी स्मेल से मक्खियाँ यहाँ पर आके बैठती थी और अंडे रख जाती थी, एग्स वो, और उसमें से लार्वा बनते और मक्खियाँ निकल जाती. यहाँ पे मीट का कोई रोल नहीं था. तो फ्रांसिस्को रेडी ने बताया कि मीट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉस्किटोज डेवलपमेंट. उसने ये साबित कर दिया. तो ऐसा एक पहला एक्सपेरिमेंट था, मैगोट एक्सपेरिमेंट, बराबर. तो मस्किटोज जो है मैगोट्स, उस पर. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द रेडीज एक्सपेरिमेंट. फ्रांसिस्को रेडी वॉज अ इटालियन फिजिशियन, एक डॉक्टर थे. चैलेंज द बिलीफ ऑफ ओरिजिन ऑफ मैगोट्स फ्रॉम पुट्रीफाइंग बॉडीज. पुट्रीफाइंग मतलब क्या है, जब भी प्रोटीनिक चीज़, प्रोटीन वाली चीज़ सड़ेगी, कोई कुत्ता मर गया है, सो वो जो स्मेल रहेगी वो बोलेंगे पुट्रीफाइंग. तो मीट है वो सड़ रहेगा तो हम उसको बोलेंगे पुट्रीफाइंग मीट. He performed a series of experiments to disprove abiogenesis. उसने abiogenesis के experiment के लिए experiments किए. He looked the piece of putrefying meat and placed into the sets of jar. उसने तीन jar ली. First set was tightly closed. एक ने उसको बंद कर दिया. Secondly, he set was kept open. दूसरे ने उसको खुला छोड़ दिया. एंड थर्ड सेट वॉज कवर्ड बाय कॉटन गेज. और तीसरा जो था वो उसने ऊपर कपड़ा बांध दिया कॉटन का और उसकी मैट लगा दी. ही ऑब्जर्व दैट देयर वॉज नो मैगोट्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेट ऑफ द जार. उसने बोला कि जिसको हमने कवर अप किया वहाँ मीट में से कुछ नहीं निकल रहा. वेयर एट द मैगोट अपियर इन द सेकंड ओपन सेट ऑफ द जार. He show egg of the maggot on the cotton gauze on the third jar. He, तो उसने देखा कि जो तीसरी जार है जिसको हमने कवर अप किया है तो उसके ऊपर जो मैगोट्स थे उन्होंने एग्स रखे थे और उसमें से फ्लाइज बन रही थी, उसके जो लार्वा थे वॉर्म्स उसमें से फ्लाइज निकल रही थी. Which develop into worms and then into flies. Thus worms will develop इफ द एग आर लेट. तो उसने बताया कि अगर कपड़े पर अंडे नहीं रखे तो
तो ये वॉर्म्स नहीं बनते। तो कपड़े पर ऑलरेडी जो मॉस्किटो आई, वो मॉस्किटोस सॉरी मैगोट्स जो थे, वो मैगोट्स ने अंडे रखे, वो अंडों जो थे उसमें से लार्वा बने या वॉर्म्स बने और उसमें से नए मैगोट्स डेवलप हो गए। तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट फ्लाइज विल अराइज फ्रॉम द एग्स ओनली, फ्लाइज नेवर अराइज फ्रॉम पुट्रीफाइंग मीट। तो जो सड़ रहा था उसमें से कोई कुछ नहीं निकला, जो एग्स बने थे उसी में से ही लार्वा बने और आगे जाके वो मैगोट्स बनने थे। तो उसका ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सफल रहा था। फिर लुइस जबलर थे, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। ही चैलेंज द बिलीफ ऑफ दैट एनिमल्स वेयर वेजिटेटिव मटेरियल कंटेन ए वाइटल और वेजिटेटिव फोर्स विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। पीपल दैट बिलीव फ्रॉग्स एंड लॉन्ग कुड नॉट ग्रो ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ द ट्री लिवान हॉक्स एलिमेंट वेयर बिलीव टू बी द प्रूफ ऑफ ए बायोजिनेसिस। तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि किसी चीज़ को खुला रख दो, ब्रॉथ बनाया था। ब्रॉथ मतलब क्या है? ब्रॉथ यानी रसा, जो हम दाल पीते हैं घर पे चावल के साथ, तो उसको ब्रॉथ बोलेंगे। तो किसी चीज़ का जो लिक्विड पोर्शन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्रॉथ। सो टू डिस्प्रूव दिस बिलीफ उसने क्या किया, ही टूक हीटेड हाई इन्फ्यूज़न, उसने हे इन्फ्यूज़न बनाया। हे यानी क्या? सूखा घास। तो जो घास सूख गया है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के स्पोर रहते हैं, तो उसको उसने पानी में भिगोया, हे इन्फ्यूज़न। और वो जो इन्फ्यूज़न था, मिट्टी वाला पानी, घास वाला पानी जो था, ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसने दो जार में बांट लिया। वन पार्ट वॉज केप्ट इन एयर टाइट हर्मेटिकली सील्ड वेसल एंड अदर वॉज केप्ट इन ओपन वेसल। द एनी मॉलिक्यूल्स डिड नॉट अपेयर इन क्लोज्ड वेसल, दे अपेयर इन ओपन वेसल। सो ही कंक्लूड दैट, तो उसने एक खुला छोड़ दिया, एक को बंद कर दिया। जो खुला छोड़ा था उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए, जो बंद कर दिया था उसमें ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो हुए। सो ही कंक्लूड दैट द हे इन्फ्यूजन डज नॉट पजेस एनी वाइटल फोर्स टू जनरेट एनी मॉलिक्यूल्स। तो हवा में से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जाते थे वो कुछ कर सकते हैं, बाकी जो लिक्विड है, लिक्विड में ऐसी कोई संजीवनी शक्ति नहीं होती जो ऑर्गेनिजम्स को अपने आप बनाएगी। ऑर्गेनिजम्स हमेशा ऑलरेडी होते, उसका डिवीजन होके नए सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे ये उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, हे इन्फ्यूज़न, जो घास है उसके पानी को उसने चेक किया कि घास के पानी में कोई वाइटल फोर्स नहीं होता। वाइटल फोर्स कब होता है? जब उसमें बैक्टीरिया ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड अलर्ट बताया, लुइस जबलर जो था है इन्फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, तो उसका ये भी एक टाइटल जॉन निदम का एक्सपेरिमेंट लिखना है यहाँ पे। यू हैव टू करेक्ट दिस थिंग। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जॉन निदम एन इंग्लिश मैन टूक द हीटेड मटन ग्रेवी, उसने मटन जो था उसको उबाल के उसमें से पानी निकाला, उसको बोलेंगे मटन ब्रॉथ, फ्रॉम द फायर एंड ट्रांसफर्ड इनटू ए फ्लास्क। तो उसने किया कि देखो ये मैंने मटन का ब्रॉथ लिया है, उसको थोड़ा गर्म कर दिया उसने, और इट वॉज हीटेड टिल बॉइलिंग एंड देन स्टॉपड। ही ऑब्जर्व द डाइवर्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ ब्रॉथ आफ्टर फ्यू डेज। तो उसने किया कि ऐसा कुछ नहीं, देखो ऊपर मैंने ढक्कन भी डाल दिया, उसको गर्म भी कर दिया, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मटन में संजीवनी शक्ति है, मटन में ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो ये कुछ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट कर रही थी थियरी कि हीटिंग भी किया और स्टॉपर एयर स्टॉपर भी किया, फिर भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आ गए। तो जॉन निदम ने क्या किया था, स्कॉटिश साइंटिस्ट था, 1748 में ही बॉइल ब्रॉथ फॉर 1 मिनट, उसने 1 मिनट ही उबाला। मतलब क्या हुआ? जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया थे,
जिनको ज़्यादा समय चाहिए मरने का वो नहीं मिला, मतलब वो अंदर ही थे, वो अंदर थे। जब उसने उसको ठंडा किया तो वो फिर से हो गए, उसने स्टॉपर लगाया तो भी एनएरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो गए। सो सील विद द लूज कॉर्क बैक्टीरिया स्टिल ग्रो, तो उसने बताया कि नहीं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन अभी है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ख़त्म नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ जो थी 20 सालों तक चली, इट्स 24। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ जॉन निदम्स एक्सपेरिमेंट, चौथा जो एक्सपेरिमेंट था लेजारो स्प्लाइंजानी ने किया। आफ्टर 20 ईयर्स एन इटालियन नेचुरलिस्ट लेजारो स्प्लाइंजानी, उसने किया कि निदम ने जो काम किया था वो इनकम्प्लीट था। तो उसने क्या किया, हाउ ही डिफरेंट, ये चीज़ उसने डिफरेंट की। निदम ने जो बॉइलिंग किया था वो सिर्फ एक मिनट कर लिया गया था, ओके। तो स्प्लाइंजानी ने क्या किया, टूक द बी ब्रॉथ एंड फ्लास्क एंड सील्ड टू प्रिवेंट द एक्सपोजर एंड डस्ट एंड हीटेड, उसने हीटेड कितने समय के लिए किया, 1 आवर। तो उसने एक घंटे तक हीट किया, एक घंटे तक हीट करने पर क्या होता था, स्पोर्स फॉर्मिंग, एनएरोबिक एरोबिक सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए, दस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेल टू अपेयर इन मटन ग्रेवी। तो वही एक्सपेरिमेंट जब स्पेलजानी ने किया तो ये तो चीज़ साबित हो गई कि जॉन निदम का जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत था, क्योंकि उसने एक मिनट हीट कुकिंग किया था और उस पर लगाया हुआ ढक्कन लूज था, जब ये बता रहा था कि एक घंटे तक उसको गर्म करो और टाइटली उसको बाइंड करो। तो ये एक्सपेरिमेंट था इन्फ्यूज़न लेजारो स्प्लाइंजानी का। तो उसको रिजल्ट्स मिल गए कि भी एक घंटे तक गर्म करने पर, टाइटली बाइंड करने पर यहाँ कुछ भी होता नहीं है, नो ग्रोथ, इज इट। तो दो लोग आमने सामने आ गए। निदम रिस्पॉन्डेड दिस बाय आर्ग्यूइंग दैट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द ब्रॉथ बाय स्प्लाइंजानी हैड डिस्ट्रॉय द वेजिटेटिव फोर्स और इलास्टिसिटी ऑफ द एयर। निदम ने क्या बोला कि भाई ऐसे आप इतने सारा गर्म कर रहे हो एक घंटे तक, तो वो उसकी जो संजीवनी शक्ति है वेजिटेटिव फोर्स वो मर जाएगी, एंड इलास्टिसिटी ऑफ एयर वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। स्प्लाइंजानी एक्सपोज द फ्लास्क टू एयर, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड इन द ब्रॉथ। स्प्लाइंजानी ने क्या किया, ये ढक्कन निकाल दिया और फिर उसको देखा तो उसके अंदर फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। तो उसने क्या बोला कि नहीं, देखो कहाँ पे उसकी संजीवनी शक्ति तो है, जैसे मैंने ढक्कन हटा लिया हवा में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ गए और ये ग्रो होने लगे। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट था लेवोजियर, लेवोजियर ने क्या किया था, ही डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द लाइफ ऑफ एनिमल। लेवोजियर ने 1775 में बताया कि ऑक्सीजन के बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, हम अपनी नाक बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। तो उसने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन बताया कि बिना ऑक्सीजन के जीवन शक्य नहीं है, ऑक्सीजन मस्ट। द एक्सपेरिमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ स्प्लाइंजानी कुड नॉट एक्सप्लेन देयर। तब निदम ने बोला, चलो आपने ऑक्सीजन ही नहीं दिया तो संजीवनी शक्ति कहाँ से आई थी, अब तो लेवोजियर उसके सपोर्ट कर रहा था। तो फिर भी ये जो एक्सपेरिमेंट थे डिस्प्रूवमेंट के लिए वो एक बार क्वेश्चन में आ गए, तो ये सारी आर्ग्यूमेंट नहीं चली। फिर जाके तीसरी तरह के आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए, कैसे। सो फिल्ट्रेशन अप्रोच, आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ निदम्स एक्सपेरिमेंट, वंस अगेन द साइंटिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। दिस वॉज डन बाय प्रूविंग दैट द एयर, अब उसमें क्या था, सबको पता चल गया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते और इसमें जो ग्रोथ आएगा वो एयर की वजह से होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ की, पर इसको एयर अंदर आने दिया,
एयर इज अलाउड टू इंट्रोड्यूस. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एयर के बारे में किसने किया? फ्रांस कूल्स. फ्रांस कूल्स कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच एयर वॉज अलाउड टू एंटर इन द हीटेड इन्फ्यूजन ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू द स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड KOH. उसने क्या किया कि वे बैक्टीरिया हवा में होते वो मर जाने चाहिए, तो उन्होंने तो स्कूल्स ने जो एयर इंट्रोडक्शन था उसको एसिड में से निकाल दिया और बेस में से निकाला. तो क्या होता था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में थे वो एसिड में डीप होके मर जाते थे. मतलब कि ब्रॉथ में हवा तो आती जाती थी, ऑक्सीजन तो आता जाता था, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते जाते थे. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था. दूसरा, स्कूल्स एंड स्वान ने टेस्ट किया. सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट, पैसेज ऑफ एयर थ्रू हॉट रेड ग्लास ट्यूब. थियोडोर स्वान का ये एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि ये जो एयर थी उसको एक गरम रेड हॉट ट्यूब में से पसार होना था, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो मर जाने वाले थे, तो एयर हमेशा कैसी रहेगी उसमें? स्टराइल एयर जाने वाली थी अंदर, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचने वाले नहीं थे. देर वॉज नो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू रेड हॉट ट्यूब. ओके, एंड दिस इज हाउ द माइक्रोबियल एंट्री इज प्रिवेंटेड एंड द ब्रॉथ वेर रिमेन स्टराइल. तो थियोडोर स्वान कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, उसने साइंस एक्सपेरिमेंट किए वेयर एयर वॉज पास थ्रू ए रेड हॉट हीटेड ग्लास ट्यूब बिफोर एंट्री इन टू द फ्लास्क. नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर इन द ब्रॉथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं था. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले फिर भी उसको बोलने लगे, भाई नहीं ये नहीं चलेगा. दे आर्ग्यूड द लिविंग गिविंग पावर ऑफ एयर वॉज डिस्ट्रॉयड बाई एसिड अल्कली हीटिंग. उन्हें बोला कि नहीं भाई, एसिड डालते हो तो ऑक्सीजन मर जाता है, या एसिड डालो अल्कली डालो उसको गर्म करो तो जो संजीवनी शक्ति है वो डिस्टर्ब हो जाती है. स्वान रिस्पॉन्डेड द आर्ग्यूमेंट बाय एक्सपोजिंग द फ्रॉग ऑफ द हीटेड एयर विच स्टिल रिमेंड अलाइव एंड दिस प्रूव दैट लाइफ गिविंग पावर इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हार्श ट्रीटमेंट. स्वान ने क्या किया, अंदर ब्रॉथ की जगह पे एक मेढक डाल दिया, ये फ्लास्क में एक फ्रॉग रख दिया, तो फ्रॉग तो जिंदा रहता था. कैसे? तो अंदर तो ऑक्सीजन तो जाता था, बराबर, फिर भी कुछ रिफाइनल नहीं हो रहा था. देन आफ्टर द स्कॉल्डर एंड वॉन हडर्स परफॉर्म द वन मोर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, वेयर दे यूज द कॉटन प्लग. उन्होंने कॉटन प्लग एयर दिया कि चलो हमको गर्म नहीं करना, एसिड नहीं ना कुछ करना है. इफ़ देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे शुड बी ट्रैप इन दिस कॉटन प्लग. तो उन्होंने एक ट्यूब था, ये ट्यूब के अंदर एक कॉटन भर दिया. अब कॉटन में से माइक्रोब्स नहीं जा सकते थे, देयर वॉज अ फिल्टर. ओके, तो ये सब वही वैसे ही होने लगा. दे परफॉर्म हाईली कन्वीनियंट एक्सपेरिमेंट टू रिजॉल्व द ऑब्जेक्शन ऑल्टर ऑफ द लाइफ गिविंग पावर ऑफ द एयर. बराबर, दे पास द एयर थ्रू द ग्लास ट्यूब कंटेनिंग द कॉटन वूल एंड दे अलाउ द रीच इन टू द हीटेड इन्फ्यूजन और ब्रॉथ. तो यहाँ पे कॉटन वूल लगा दिया तो अंदर हवा आराम से आती जाती थी, देर वॉज नो प्रॉब्लम. द कॉटन फिल्टर आउट द माइक्रोब्स फ्रॉम एयर. कॉटन का काम क्या था? हवा में से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते वो एब्जॉर्ब कर लेगा. एंड कुड नॉट एंटर इन द फ्लास्क, फ्लास्क में नहीं जाते थे. सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ कॉटन प्लग. आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको कॉटन प्लग प्रैक्टिकल के हर स्टेप में आएगा. आपकी कोई भी चीज़ होगी उस पर कॉटन प्लग लगाना होगा, टेस्ट ट्यूब होगा, फ्लास्क होगा, इज इट. तो ये कॉटन प्लग का कंसेप्ट यहाँ से आएगा. कॉटन प्लग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास आउट नहीं होते, जो जिसका हम अपने लेटेस्ट अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं. मास्क, जो कोरोना के टाइम पे हम मास्क बांध रहे अपने चेहरे पे, बराबर, तो N95 मास्क जो बोल रहे हैं, ये यही रीज़न है उसका. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन था.
तो फाइनल एक्सपेरिमेंट जो किया वो प्रूव हो गया कि बायोजिनेसिस ही होता है, एंड दैट फाइनल एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज द गूज नेक फ्लास एक्सपेरिमेंट बाय द लुइस पाश्चर। पाश्चर इज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुइस पाश्चर ने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, ऐसे एक जो हंस है उसकी जो गर्दन है गूज नेक, वैसा एक टेढ़ा मेढ़ा शेप वाला ग्लास ट्यूब बनाया फ्लास्क के ऊपर। तो उससे होता था क्या, उससे क्या होता था कि जो एयर थी उसका पाथ ऑब्स्ट्रेक्शंस होता था ऐसे जिगजैग। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एधर इनटू द ट्यूब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे ट्यूब में अंदर नहीं जा पाते थे, दे स्टिक और एधर ऑन टू द ग्लास वॉल। तो ऐसे जिगजैग रूट के वजह से अंदर हवा जो है आराम से आ जा सकती थी, बराबर, ये सीधा रूट है तो माइक्रोब्स पहुंच सकते, यहाँ पे माइक्रोब्स ट्रैप हो जाते, अंदर हवा जाएगी पर माइक्रोब्स नहीं जाते थे। तो ये कंसेप्ट था, दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ लुइस पाश्चर। सो लुइस पाश्चर द फ्रेंच केमिस्ट डेवलप द इंटरेस्ट इन ऑन गोइंग डिबेट ओवर द ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग अल्कोहल बेवरेज। तो उसने रिसर्च किया था फर्मेंटेशन पे, अल्कोहल फर्मेंटेशन पे। तो उस टाइम पे उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस की, एक्सटेंसिव रिपोर्ट ऑन ए बायोजिनेसिस, एंड दिस लॉजिक एंड डेटा इरिटेटेड द पाश्चर। पाश्चर को ये पसंद नहीं था कि भाई लाइफ हमेशा लाइफ में से ही आएगी। उन्होंने दिमाग लगाया और उसको प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, सो लुइस पाश्चर यूज द फ्लास्क विद लॉन्ग कर्व्ड स्टीम रिजेम्बलिंग द स्वान नेक। उसने एक फ्लास्क बनाया और फ्लास्क का जो ओपनिंग था वो एक पूरा नेक नैरो रूट वाला गूज नेक फ्लास्क वाला उसने बनाया। द फ्लास्क वेयर फिल्ड विद द ब्रॉथ एंड हीटेड, द एयर कुड फील मूव इन टू एंड आउट ऑफ द फ्लास्क। तो जो फ्लास्क था उसमें हवा सीधी आ सकती थी जा सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। डिस्पाइट दिस द मीडियम रिमेन्स स्टराइल। तो खुली हवा आराम से अंदर आने जाने के बावजूद भी वो जो फ्लास्क था वो स्टराइल रहा, उसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं था। जबकि ये ऊपर की ट्यूब हटा ली तो उसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, माइक्रोब्स ग्रो हो गए। द माइक्रोब्स एंड द डस्ट पार्टिकल सेटल इन यू शेप ऑफ द सक्शन। तो ये जो फ्लास्क का यू शेप था ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर नहीं करने देता था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपने पंख होते नहीं हुए, दे कैरीड ऑन डस्ट पार्टिकल, और जिगजैग रूट में डस्ट पार्टिकल को हिला सके उतना एयर करंट नहीं होता था। दस द माइक्रोब्स ये अंदर नहीं पहुंच पाते, द माइक्रोब्स कुड नॉट रीच टू द ब्रॉथ, एंड दस द ब्रॉथ रिमेन स्टराइल, उसमें कोई ग्रोथ नहीं रहता था। तो ये फाइनल एक्सपेरिमेंट था बायोजिनेसिस में, ओके। तो सीधे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर देते थे। जब वही काम उसने टेढ़ा कर दिया, फ्लास्क है उसको स्लांटिंग कर दिया, तो जैसे ही ट्यूब के अंदर ब्रॉथ आया तो ब्रॉथ गेट कंटामिनेटेड एंड द माइक्रोब्स ग्रो। तो उसमें देखा कि माइक्रोब्स आ गए, तो ब्रॉथ को सीधा रखने पर, ऐसे रखने पर वो स्टराइल रहता था। क्यों, क्योंकि देर इज अ सेटलिंग ऑफ द डस्ट, ये जो पोर्शन है यू शेप वाला वहाँ पे डस्ट कलेक्ट हो जाती थी, एयर करंट नहीं होता था इसलिए। तो दिस इज अ फाइनल डिसप्रूवमेंट इन 1861 लुइस पाश्चर प्रूव्ड विथ यूजिंग द स्वान नेक और गूज नेक फ्लास्क। इसी कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंट के रूप में जॉन टिल्डेन ने बनाया। जॉन टिल्डेन ने क्या किया, डस्ट फ्री बॉक्स बनाया। उसने एक यूवी लाइट लगा दी, यहाँ से यूवी लाइट पसार होती थी, तो यूवी लाइट से पूरे बॉक्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते थे। फिर अंदर कुछ भी ब्रॉथ रखे तो ब्रॉथ रखने के बाद ये
zigzag ट्यूब रखी थी, तो ये पूरा बॉक्स जो था, बॉक्स के अंदर जो आने वाली जाने वाली हवाएं थी, एयर किससे होती थी, ये एयर एंटर्स इन द कॉनवोल्यूटेड ट्यूब्स, zigzag वाली ट्यूब्स थी। डस्ट पार्टिकल सेटल इन यू रीजन ऑफ द ट्यूब, तो वहाँ पे डस्ट हो जाता था। तो जो ट्यूब्स थी बॉक्स के अंदर वो कैसी रहती थी, स्टराइल रहती थी, क्योंकि उसमें स्टराइल मीडियम है। तो ये जो बनाया उसको हम क्या नाम देंगे, टिंडल्स डस्ट फ्री बॉक्स। जॉन टिंडल इन 1822-1883 कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल बिलीव दैट द हीट यूज टू स्टरलाइज द एयर एंड डिस्ट्रॉय द वाइटल फोर्स। ही एक्सप्लेन दैट एयर कूड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली बाय अलाउिंग द डस्ट पार्टिकल टू सेटल। ही कंस्ट्रक्ट ए वन बॉक्स इन विच टू साइड ऑफ द बॉक्स वेर मेड अप ऑफ वुड, फ्रंट वॉज मेड अप ऑफ ग्लास, आगे ग्लास था बाकी सब वुडन मटेरियल था। देयर वेर होल इन अ टू साइड ऑफ द वॉल विच अलाउ द लाइट टू पास, उसमें से यूवी लाइट अंदर पास होती थी। This allows to observe or see whether the dust particle were present or absent. When the dust particle were absent, the air was optically empty. He inserted the test tube containing the sterile broth at the bottom and the broth remained sterile. तो जो box थे उसमें जो sterile चीज रखी थी वो sterile रहती थी, क्यों? He proved that the air has no vital force. हवा में ऐसा कोई संजीवनी शक्ति नहीं होती है। देर इज़ नो वे रिलेटेड टू अपीरियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस वे फाइनली प्रूफ ऑफ बायोजिनेसिस। तो इसके साथ हमेशा ये ख़त्म हो गया कि भाई स्पॉन्टेनियस बायोजिनेसिस होता है, ए बायोजिनेसिस होता है, वो बात इस एक्सपेरिमेंट के बाद ख़त्म हो गई। सो एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट 9 the 400 year fight has over. So thank you very much, and this is one theory you have to prepare for the exam, only one theory, this is whole one theory, is it?